सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज करेंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पनीर भतुआ तड़का की रेसिपी। पनीर भतुआ तड़का बनाने के लिए ये भतुआ हमने एक कटोरी लिया है, जो पत्ते हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया है, जो सॉफ्ट डंडी है उसका इस्तेमाल किया है जो कि आसानी से टूट सकती है। तो सबसे पहले हम इसे वॉश करेंगे। भतुए में बहुत सारी मिट्टी होती है और इसको कई बार धोना चाहिए पानी से अच्छे से। मैंने इसे वॉश कर लिया है कई बार। चलिए अब इसे सबसे पहले हम हल्का सा उबालेंगे। ये हमने बर्तन रखा हुआ है और इसमें पानी रख रखा है। अब हम इस गैस को ऑन कर देंगे और इस पानी में 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक हम एक बाउल में मैंने गर्म पानी ले रखा है और इस गर्म पानी के अंदर 10 से 11 मैंने काजू ले रखे हैं। ये भिगो दूंगी तब तक जब तक हमारा जो भतुआ है उबलेगा। पानी चेक कर लेते हैं। देखिए पानी में हमारे बहुत अच्छे से उबाल आ गया। गैस को हम बंद कर देंगे और ये जो हमारा भतुआ था इसको हम इस पानी में डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर भतुए में मिट्टी रह गई तो फिर आपकी डिश ख़राब हो सकती है। इस भतुए को हम उबलते हुए पानी में डाल करके ढक्कन लगा करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उबालेंगे नहीं, उबले हुए पानी में डाल करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हमारे भतुए को हो चुके, अब ढक्कन हटा लेते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने इसको उबाला क्यों नहीं, क्योंकि ये लीफ है बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसको उबालना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितनी देर हमने इसे पानी में रखा वो भी नमक वाले पानी में, ये वैसे भी गल गया है। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये गल चुका है पत्ता इसका, तो यहाँ से निकालिए। और ये मैंने बर्फ़ वाला पानी ले रखा है, आप इसके अंदर इसे सारा भतुआ हम इसके अंदर डाल देंगे। इस भतुए को हमने ठंडे पानी में डाल दिया। अब इसका जो कलर है वो एज इट इज़ ग्रीन रहने वाला है। सबसे पहले एक जार ले लेंगे और ये जो भतुआ हमने इसमें ठंडे पानी में डाला था इसको निकाल करके इस मिक्सी के जार में डाल लेंगे। ये 4 हरी मिर्च हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। दही, इस डिश में सबसे अच्छी चीज़ है कि दही आपका खट्टा भी होगा तो भी चल जाता है, तो हम ये 4 चम्मच दही ले लेते हैं। ये बहुत थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का है, इसको थोड़ा सा घिस लिया था। ये काजू जो हमने भिगोए थे ये भी इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी शिमला मिर्च हम डाल देंगे इसके अंदर। अब इन सबको हम ढक्कन लगा करके पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा पीस के तैयार हो चुका। कलर देखिए इसका, बहुत ही प्यारा और ग्रीन कलर आया एकदम से। ये हमने 200 ग्राम पनीर लिया है। अब ये जो पनीर है इसके अंदर ही हम ये अपना जो मसाला हमने पीसा था वो डाल देंगे। वन फोर्थ काला नमक हम ऐड कर देंगे इसके अंदर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने चटनी में नमक नहीं डाला था। जब तक हम आगे की तैयारी करते हैं तब तक के लिए हम इसको इसी तरह मैरिनेट करके छोड़ देंगे। तड़के के लिए हमने एक पैन ले रखा है, गैस ऑन कर रखी है। ये 1 चम्मच घी है, इसे हम डाल देंगे। 1/4 हींग है, इसे भी हम डाल देंगे इसके अंदर। 1 चम्मच के करीब भर के हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे। अब ये मिक्सचर जो है ये सारा मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब थोड़ा रिचनेस के लिए ये मेयोनीज डाल देंगे। 1 चम्मच के करीब ही हम इसके अंदर क्रीम चीज़ डाल देंगे। ये हम पहले इसमें नमक डाल चुके हैं, काला नमक हमने इसमें डाला था, तो इसलिए हम स्वाद अनुसार बहुत कम नमक डालेंगे। 1 चम्मच सूखा धनिया और इसे हम थोड़ा तेज गैस पर पकाएंगे, क्योंकि इसे पकने में अब मुश्किल से 2 या 3 मिनट का समय लगेगा। ये देखिए डिश ने हमारी घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। समय हमारी डिश ये तैयार हो चुकी।
अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब इस पे तड़का लगा लेते हैं। एक चमचा ले लेंगे और उसे गैस पे रख देंगे। ये आधा चम्मच घी डाल देंगे। ये डाला हमने जीरा, बहुत थोड़ा सा हमने चुटकी भर जीरा ऐड करा है, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले से ही उसमें काफ़ी जीरा ऐड कर चुके हैं। और एक चुटकी के करीब ही हम इसमें हींग ऐड करेंगे। अब ये देखिए फायर लग गया आपका, बस कुछ नहीं करना है, ये आपकी डिश है। और इसको डालिए, पर ध्यान रखिएगा, बहुत एहतियात बरतिएगा इसको डालने के टाइम पर। ये देखिए अभी भी इसमें आग लगी हुई है, तो मैं इसको इस डिश के साथ थोड़ा सा ऐसे कर दूंगी, चमचे को रखूंगी और इसके ऊपर मैं ये ढक्कन लगा दूंगी, बस इस तरह से। और कम से कम 1 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ दीजिए, तो जो हमने तड़का लगाया है उसका जो भी फ्लेवर होगा वो हमारे डिश में चला जाएगा। चलिए ढक्कन हटा लेते हैं, देखिए। और ये गार्निश के लिए हल्का सा हम इसके ऊपर क्रीम डाल देंगे, दूध की क्रीम है। लीजिए तैयार है आपका पनीर भतुआ तड़का। इसमें जो हमने जीरा डाला और जो हमने हींग का तड़का लगाया है, इसलिए लगाया है क्योंकि भतुए के साथ में हींग और जीरे का तड़का बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसमें किसी तरह का लहसुन या प्याज या टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जो हमें खटास चाहिए वो हमारे दही के साथ हमें मिल जाती है। जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जब हमने इसे मैरिनेट किया था उस समय हमने इसमें काला नमक ऐड किया था, और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड किया था। तो नमक डालते वक्त ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले से ही चीज़ में नमक है, तो बहुत ज़्यादा नमक ना हो जाए। आई होप आपको ये पसंद आएगा और आप इसे बनाएंगे बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया सी डिश है। देखिए मैं आपको उसको पास से दिखाती हूँ। आपका मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।